अनुष्का शेट्टी को सोशल मीडिया पर ऑलरेडी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो बिग बॉस का हिस्सा पहले भी रह चुकी है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कलर्स से और शो के मेकर्स से कि एक बार फिर से शमिता को बिग बॉस का हिस्सा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये प्रिविलेज किसी और कंटेस्टेंट को आज तक नहीं मिली है। वहीं दूसरी तरफ सभी जानते हैं कि शमिता शेट्टी के ब्रदर इन लॉ पर एक पॉन केस चल रहा है, जिस वजह से शमिता भी काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस बना रही थी और लोगों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। दूसरी तरफ शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ सुनंदा शेट्टी भी अब मुसीबत में फंस चुके हैं। एक तरफ ऑलरेडी वो राज कुंद्रा के केस की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट झेल रहे थे और अब शिल्पा और उनकी माँ सुनंदा शेट्टी पर फ्रॉड का केस फाइल किया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, लखनऊ के दो पुलिस स्टेशन में शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, ये कहते हुए कि इन दोनों ने उनके साथ चीटिंग की है। शिल्पा शेट्टी का एक वेलनेस सेंटर है जो कि उन्होंने वादा किया था कि वो लखनऊ में भी खोलेंगी और यही कहकर उन्होंने कई लोगों से करोड़ों रुपया लिया था। शिल्पा शेट्टी इस वेलनेस सेंटर की चेयरमैन है, वहीं उनकी माँ सुनंदा शेट्टी इस वेलनेस सेंटर की डायरेक्टर है, इसलिए दोनों के अगेंस्ट ये फ्रॉड का और चीटिंग का केस फाइल किया गया है। लोग अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। वहीं अब लखनऊ पुलिस मुंबई आकर शिल्पा शेट्टी और उनकी माँ से पूछताछ करेगी और इस केस के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा।